नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाशु गुलेरिया ज्ञानमेटिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम जो हमारा सेकंड पार्ट है टॉप 100 डिफेंस करंट अफेयर्स का 2018 का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट में भी पार्ट 1 को देख सकते हो। मोरोवर आई कार्ड मैं यहाँ जनरेट कर दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है जैन से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स, ठीक है। टोटल उसमें करंट अफेयर्स जितने वन लाइनर थे वो थे 1 से लेकर 60। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 61 से लेकर हमारे 100 करंट अफेयर्स। 100 से थोड़े ज़्यादा हैं, 120 के अराउंड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पार्ट सेकंड में हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, डेट इज़ 61st, इट इज़ रिलेटेड टू इंद्र एक्सरसाइज 2018। जो हमारी इंद्र एक्सरसाइज है, इट इज़ अ ट्राई सर्विस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच की ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये कंडक्ट की गई सेकेंड हाफ ऑफ 2018 में। ये जो जिस इंद्र एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, ये नेवी से रिलेटेड है दोनों कंट्री की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेवी ही इंद्र एक्सरसाइज जो है रशिया के साथ कंडक्ट करती है। इंडिया की आर्मी और रशिया की आर्मी भी सेम नाम की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करती है, ठीक है। और दोनों कंट्रीज़ की एयरफोर्स की बात करें तो वो एवियंदर नाम की एक्सरसाइज से जानी जाती है, ठीक है। इंद्र एक्सरसाइज की बात करें तो ये सबसे पहले लॉन्च की गई थी 2003 में, ठीक है। और इसका मेन पर्पस है ताकि जो आपकी कॉपरेशन है दोनों मिलिट्रीज़ की और इंटरऑपरेबिलिटी है, अगर इन फ्यूचर कोई ऑपरेशन हमें जॉइंटली कंडक्ट करना हो तो हमारी जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो बूस्ट रहे, वो तैयार रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 62nd। इंडियन आर्मी ने 2018 को एज एयर ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर इन लाइन ऑफ ड्यूटी के नाम से ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो 2018 का जो साल है उसे हम डिसेबल्ड सोल्जर्स के नाम करेंगे। जो भी सोल्जर्स जिन्होंने अपने कोई पार्ट को मतलब खोया है फ्रंट लाइन में, तो उनके नाम रहेगा ये 2018 का साल। नेक्स्ट है 63rd, जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन जो है, ये जैसलमेर आपका राजस्थान में है, और इंडियन आर्मी ने जो ये मिलिट्री स्टेशन है जैसलमेर का, उसे एज अ स्मार्ट फैसिलिटी डेवलप करने की करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये हम खरीदेंगे यूएस गवर्नमेंट से और इसकी सेल को अप्रूव कर दिया है यूएस की गवर्नमेंट ने। आपसे जो क्वेश्चन में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हम कौन सी कंट्री से ख़रीदते हैं। तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है फ्रांस हो, यूएस हो, रशिया हो, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा यूएस। नेक्स्ट है 65th, सूर्य किरण 13। सूर्य किरण जो है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया इंडिया की आर्मी और नेपाल की आर्मी जॉइंटली कंडक्ट करती है सूर्य किरण एक्सरसाइज को। इसका जो 13th एडिशन है वो 2018 में कंडक्ट किया गया और ये आपका कंडक्ट किया गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है 66th, मिलेक्स एक्सरसाइज। मिलेक्स नाम की फर्स्ट टाइम मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जा रही है पुणे में। लास्ट ईयर कंडक्ट की, सॉरी 2018 में ये पुणे में कंडक्ट की और इसमें बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। और एक्सेप्ट थाईलैंड एंड नेपाल, थाईलैंड और नेपाल भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, लेकिन थाईलैंड और नेपाल सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर स्टेट ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाकी सभी कंट्रीज जो भी बिम्स्टेक में आती हैं वो सब इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी। आपको पता रहना चाहिए मिलेक्स एक्सरसाइज बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में है और आपको बिम्स्टेक कंट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आपके पास है 67th, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली इंडिया जापान और यूएस की नेवीज़ के बीच में है, ठीक है। और इसका जो आपका नेक्स्ट फेज़ है वो
गुआम आइलैंड जो आपका पैसिफिक रीजन में गुआम आइलैंड है वहाँ पे कंडक्ट किया गया। देखिए इसमें दो फेजेस रहते हैं मालाबार एक्सरसाइज में, एक फेज़ होता है शोर फेज या हार्बर फेज और दूसरा होता है सी ट्रेनिंग। ठीक है, जो आपका हार्बर फेज है वो यहाँ गुआम आइलैंड जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक में एक आइलैंड है वहाँ पे कंडक्ट किया गया, और इसका जो सी ट्रेनिंग फेज़ है वो आपका फिलिपिन सी में रहेगा। आपको ये दोनों एरियाज़ जो हैं वो पता होने चाहिए अगर आप सीडीएस की प्रेपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास है 68 ऑपरेशन निस्टार। ये एक ऑपरेशन है वो जो कि कंडक्ट किया गया इंडियन नेवी द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी ने INS सुनायान में येमेन में 38 इंडियन जो हैं नेशनल्स वो फंसे हुए थे उन्हें इवैकुएट किया, ऑपरेशन नी स्टार। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 69 रिमपैक 2018। जो आपकी रिमपैक एक्सरसाइज है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, मेरी टाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है। रिमपैक का मतलब रहता है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। इसमें 26 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेट करेंगी करती हैं US में। ठीक है, US में पार्टिसिपेट किया 2018 में, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना की इन्विटेशन जो थी वो US ने विड्रॉ कर ली, क्योंकि चाइना और US के बीच में ट्रेड वॉर जो है वो उस टाइम पे काफ़ी चला हुआ था, उनके बीच में टेंशन्स जो हैं वो काफ़ी थी, तो इसलिए US ने ये कदम उठाया कि रिमपैक में चाइना की जो इनविटेशन है उसको खारिज कर दिया गया। इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन रिमपैक एक्सरसाइज की रही हवाईयन आइलैंड और साउथ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट आपके पास है 70th न्यूज़ इंडो पैकॉम। इंडो पैकॉम जो है इट इज़ बेसिकली इंडो पैसिफिक कमांड। US ने हाल ही में क्या किया, जो उनकी US की पैसिफिक कमांड थी वो उसको रीनेम किया गया इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से। अब इंडिया और US जो है वो जॉइंटली इस कमांड को संभालेंगे, और जो चाइनीज़ इंट्रूजन है मोरोवर जो चाइनीज़ एक्सपेंशन है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, आपको पता ही होगा चाइनी जो साउथ चाइना सी है उससे थोड़ा सा ही आगे इंडो पैसिफिक रीजन रहता है, वहाँ पे चाइनीज़ इंट्रूजन और चाइनीज़ एक्सपेंशन जो है जो उनकी डिफेंस एक्सपेंशन है वो बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए इंडिया और US वहाँ पे जॉइंटली जो है वो काम करेंगे। 71st है हमारे पास रुस्तम 2। रुस्तम 2 नाम के ड्रोन जो हैं वो बाय 2020 तक DRDO जो है वो इंडियन आर्मी के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिलीवर करेगा। नेक्स्ट है आपके पास 72nd। 72nd है नाविका सागर परिक्रमा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से काफ़ी बार CDS में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं तो इस न्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं। ये नाविका जो सागर परिक्रमा है इट इज़ बेसिकली सरकम नेविगेशन जिसे हम कहते हैं, ये इंडिया की ऑल वुमेन क्रू ने कंप्लीट किया, और ये शुरुआत इसकी की थी 2017 में 10 सितंबर को, और ये कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर मई में 22 मई को। ठीक है, इसकी वेसल की बात करें तो उसका नाम था INSV तारिनी, और इसमें टोटल जो मेंबर थे वो थे 6। इसके 4 स्टॉप जो थे वो प्री प्लान्ड थे, जो स्टॉप हैं उनके नाम थे फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया में, लिटन ये आपका न्यूजीलैंड में है, पोर्ट स्टैनली जो है वो फॉकलैंड आइलैंड में है, और केप टाउन आपका साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे एक 5th अनप्लान्ड स्टॉप ओवर रहा जहाँ आपकी जो ये वेसल थी तारिनी वो थोड़ी ख़राब हो गई, उसका स्टेयरिंग जो रॉड थी वो जैम हो गई, जिसके कारण इन्हें पोर्ट लुई में जो आपका मॉरिशियस में है वहाँ एक अनप्लान्ड स्टॉप ओवर करना पड़ा ताकि उसे ठीक किया जा सके। अब इसे ठीक करने के लिए उन सभी जो वुमेन ऑफिसर्स थी जो वुमेन क्रू था उन्होंने खुद ही इसे ठीक किया, क्योंकि अगर वो वहाँ पे किसी बाहर की हेल्प लेते तो वो जो सरकम नेविगेशन थी जो ऑल वुमेन क्रू सरकम नेविगेशन थी वो उसके रूल्स के खिलाफ रहती। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 73rd गांधीव विजय। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो साउथ वेस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी का। आपको कमेंट करके बताना है कि साउथ वेस्टर्न कमांड की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ठीक है, ये राजस्थान में
चेतक कोप्स कॉप्स जो कोर है, जो चेतक कोर है उन्होंने कंडक्ट की। नेक्स्ट है आपके पास 74th, 74th है आपके पास इंडियन आर्मी ने जो वुमेन ऑफिसर्स माउंटेन माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन है उसको फ्लैग ऑफ किया। और ये एक्सपेडिशन बेसिकली जो आपका माउंट भागीरथी है, भागीरथी टू नाम का एक माउंटेन है, ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में इस माउंटेन की लोकेशन है, उसके लिए ऑल वुमेन क्रू जो है वो इस माउंटेन की माउंटेनियरिंग करेगा। नेक्स्ट आपके पास है टाइप 001A, चाइना की फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसका सी ट्रायल जो है वो शुरू किया गया 2018 में। इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, फिर भी हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट है 76th, विजय प्रहार, ये भी राजस्थान में कंडक्ट की गई इंडियन आर्मी द्वारा ही एक्सरसाइज, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो थी वो थी सूरतगढ़ राजस्थान। नेक्स्ट है 77th, 77th है आपके पास जो UNPCAP, इसकी थर्ड एडिशन यानी यूएन पीस मेकर कोर्स ऑफ फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स, ये आपकी जो इसकी थर्ड एडिशन थी ये इसकी लोकेशन रही न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपके पास सितंबर 2018 की न्यूज़, ठीक है, हमने लास्ट इससे जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 4 मंथ्स की हमारी रहती है, 2018 में 8 मंथ्स की हम कवर कर चुके हैं। सितंबर 28 में हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है 78th, ठीक है, रैपिड ट्राइडेंट जो है वो यूक्रेन ने कंडक्ट की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नेटो नेशंस, ठीक है। रैपिड ट्राइडेंट जो है वो बेसिकली एक आंसर था जो रशिया में हो रही जो हाल ही में जो लास्ट ईयर आपकी वोस्तोक नाम की एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की रशिया ने, उसके जवाब में यूक्रेन ने नेटो नेशंस के साथ रैपिड ट्राइडेंट नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट की। नेटो जो है वो इट इज़ बेसिकली नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो में कंट्रीज हैं और नेटो कंट्रीज प्लस यूएसए के साथ मिलके यूक्रेन ने ये रैपिड ट्राइडेंट नाम की बड़ी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की। नेक्स्ट है आपके पास काजिन 2018, काजिन जो है वो बेसिकली इंडिया और कजाकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और लास्ट ईयर 2018 में ये कंडक्ट की गई कजाकिस्तान के उटार रीजन में। ये 2018 में थर्ड एडिशन थी, जो सेकेंड एडिशन थी वो 2017 में पिछले साल कंडक्ट की गई थी इंडिया में, और इस साल हमने कजाकिस्तान में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट की ज्वाइंटली कजाकिस्तान के साथ, काजिन 2018। तो नेक्स्ट है आपके पास 80th, जो आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसकी लास्ट ईयर सक्सेसफुल मिड एयर रिफ्यूलिंग जो है वो हमने कंडक्ट की हमारी इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने, और ये कंडक्ट की गई MKI टैंकर द्वारा, ठीक है, IL-78 MKI टैंकर है, उसने मिड एयर रिफ्यूलिंग की LCA तेजस की। अब ये लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश ग्वालियर के ऊपर ये एक्सरसाइज जो है पूरी पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है ये कंडक्ट किया गया, और इसी के साथ इंडिया ने जो अलाइट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कैपेबल हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम मतलब जिनके पास है, तो उसमें उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में इंडिया का नाम भी जुड़ गया है। नेक्स्ट है आपके पास 81st, सिलिनेक्स 2018, जो आपकी श्रीलंका की और इंडिया की नेवी है ये ज्वाइंटली ये कंडक्ट करती है सिलिनेक्स एक्सरसाइज, और लास्ट ईयर 2018 में इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई त्रिनकोमाले में, ठीक है, ये आपका है श्रीलंका में ही। सिलिनेक्स की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 2003 में, पहले हर 2 साल बाद ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती थी, लेकिन अब से ये एनुअली कंडक्ट की जा रही है। नेक्स्ट है आपके पास 82nd, युद्ध अभ्यास 2018, आपको पता ही होगा युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और यूएस की एनुअल कॉम्बैट एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी जो है युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज ज्वाइंटली कंडक्ट करती है, और जो इसका 2018th एडिशन है, लास्ट ईयर का एडिशन, ये आपका हुआ है उत्तराखंड में चौबाटिया में, ठीक है, ये आपका 14th एडिशन था। फर्स्ट एडिशन इसका स्टार्ट हुआ है 2004 में, और हर साल इसका जो है मतलब हर साल इसे कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है 83rd, नोमैडिक एलिफेंट 2018, नोमैडिक एलिफेंट
जो है एक्सरसाइज, ये इंडिया और मंगोलिया की आर्मीज़ जो हैं वो जॉइंटली कंडक्ट करती हैं। और जो लास्ट ईयर इसकी एडिशन रही है 2018 में, वो आपकी उलन बाटर, ये मंगोलिया की कैपिटल है, वहाँ पे कंडक्ट की गई। ये 13वीं एडिशन थी लास्ट ईयर। नेक्स्ट है 84th। 84th है आपके पास माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज, ठीक है, सागरमठ फ्रेंडशिप एक्सरसाइज भी इसे कहा जाता है। ये चाइना और नेपाल की जो आर्मीज़ हैं वो जॉइंटली कंडक्ट कर रही हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइज सिचुआन प्रोविंस में, ठीक है। अब देखिए, ये नेपाल जो है ये एज अ बफर स्टेट इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एक्ट कर रहा है। ये नेपाल अब पुराना वाला नेपाल नहीं रहा है, इसकी डिप्लोमेटिक जो इसके रिलेशन हैं इंडिया और चाइना के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज जो है वो चाइनीज़ आर्मी के साथ कंडक्ट की। नेक्स्ट है आपके पास, इसके बारे में थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज में एक कमेंट है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए, नेपाल जो है वो अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है उसको एक्सटेंड कर रहा है इस एक्सरसाइज के थ्रू भी। पहले क्या था, इंडिया के रिलेशन नेपाल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अब नेपाल को मतलब क्योंकि नेपाल का कुछ बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ भी लगता है, तो नेपाल को चाइनीज़ मिलिट्री से भी जो आपकी यूज़फुलनेस है चाइनीज़ मिलिट्री की, वो भी वहाँ से लेनी पड़ेगी, उनको एज अ फ्रेंडली नेबर रखना पड़ेगा। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो नेपाल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। मोरोवर, आपको पता ही होगा जो सूर्य किरण है वो एक्सरसाइज हम लास्ट 13 साल से कंडक्ट कर रहे हैं, और हर साल करीब 300 ट्रूप हर साइड से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि हमारी इंडिया और नेपाल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, 1950 में ये साइन की गई थी। जो नेपाल ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप, ये वायलेट नहीं करती इस ट्रीटी को, तो नेपाल जो है वो लॉफुली ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कर सकती है, मतलब एथिकली। नेक्स्ट है आपके पास 85th। 85th है आपके पास जो आपका इंडो पाक बॉर्डर है, वहाँ पे स्मार्ट फेंसिंग जो है इंडिया ने फर्स्ट प्रोजेक्ट उसका इनॉगरेट किया लास्ट ईयर। ये एक 5 किलोमीटर दोनों साइड पैच रहेगा इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह उन्होंने। और इसमें क्या रहेगा, जो स्मार्ट फेंसिंग है इसमें आपके सेंसर्स रहेंगे, थर्मल इमेजर रहेंगे, अंडरग्राउंड सेंसर रहेंगे, ताकि कोई अंडरग्राउंड केव से या टनल बना के फेंस को पार ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पराक्रम पर्व। सर्जिकल स्ट्राइक का आपको पता होगा, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी आज से 2 साल पहले, 28 और 29 तारीख को सितंबर 2016 में। तो उसकी सेकंड एनिवर्सरी जो है एज पराक्रम पर्व हमने सेलिब्रेट की लास्ट ईयर सितंबर 29 एंड 30 को। और ये इसमें हमने क्या किया, हमने शोकेस किया, हमारी इंडियन आर्मी ने शोकेस किया जो गैलेंट एक्शन था हमारी ब्रेव आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक्स में, वो शोकेस किया। और मोरोवर, हमने जो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे जिनका सेक्रीफाइस हुआ था उरी इंसिडेंट में, उसको भी उसका भी मतलब एज ए रिमार्क इसमें पराक्रम पर्व में याद किया। नेक्स्ट है आपके पास अक्टूबर 2018। अक्टूबर 2018 में 87th न्यूज़ है, इप्सा मार 6। इप्सा मार 6 जो है ये बेसिकली एक जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी, ब्राज़ीलियन नेवी और साउथ अफ्रीकन नेवीज के बीच में। इसका जो 6th एडिशन है ये साइमंस टाउन साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया। और इंडियन नेवी की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन जो रही थी वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कोलकाता, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तरकाश, लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I, सी किंग, और जो आपके सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं ये बेसिकली हम अब चेंज करेंगे सी हॉक हेलीकॉप्टर से। जो सी किंग है काफ़ी पुराने ब्रिटिश मेड हेलीकॉप्टर्स हैं नेवी के पास, अब हमने लास्ट ईयर ही प्रोक्योरमेंट की है सी
हॉक की, सी हॉक आपकी यूएस बेस्ड कंपनी से हमने ये प्रोक्योरमेंट की है। इप्सा मार की बात करें तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंडक्ट की थी 2006 में, और लास्ट एडिशन 2016 में कंडक्ट किया गया था, और ये आपका कंडक्ट किया गया था गोवा में, इंडिया में। नेक्स्ट है 88th, इंडिया ने समुद्र मैत्री नाम की एक ऑपरेशन लॉन्च की, ताकि जो आपका इंडोनेशिया में अर्थक्वेक और सुनामी से अफेक्टेड जो रीजन था वहाँ पे मदद पहुँचाई जा सके। नेक्स्ट है आपके पास 89th, चाइना जो है पाकिस्तान को 48 विंग लूंग 2 नाम के मिलिट्री ड्रोन्स जो है वो सप्लाई करेगा। अब चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशन की बात करें, चाइना जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है वेपन और आर्म्ड सप्लाईज़ का पाकिस्तान में। पाकिस्तान करीब 70% जो इम्पोर्ट करती है, परचेजेस करती है आर्म्स की, वो चाइना से करती है। और मोरोवर ड्रोन्स की बात करें तो पाकिस्तान ने खुद का भी ड्रोन बनाया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है बुराक। नेक्स्ट आपके पास है जिमेक्स 18। जिमेक्स 18 जो है वो जापान और इंडिया की थर्ड एडिशन है, 2018 में इसकी थर्ड एडिशन थी मैरिटाइम एक्सरसाइज की, ठीक है। जापान की नेवी और इंडिया की नेवी जॉइंटली ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, और इसका जो थर्ड एडिशन है 2018 का, वो कंडक्ट किया गया विशाखापट्टनम में। जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो 2012 में कंडक्ट किया गया था, और जापानीज कोस्ट में ही से कंडक्ट किया गया था। अब यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करें इंडिया की तरफ से, तो INS सतपुरा, कादमद और INS शक्ति, इन तीनों वेसल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब देखिए यहाँ वेसल्स जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जिमेक्स में इन वेसल्स ने काम किया, लेकिन आपको ये चीज़ पता होने चाहिए कि जैसे INS सतपुरा है तो ये कौन सी वेसल है। तो इट इज़ बेसिकली मल्टीपर्पज़ स्टेल्थ फ्रिगेट। स्टेल्थ का मतलब रहता है कि एक टेक्नोलॉजी होती है किसी भी एयरक्राफ्ट या वेसल की, कि वो रडार की रेंज में ना आए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है INS कदमत। जो INS कदमत है वो इट इज़ बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, ठीक है, मिसाइल कॉर्वेट भी इसे कह सकते हैं। और INS शक्ति की बात करें तो इट इज़ अ फ्लीट टैंकर। तो आपको पता होना चाहिए कि INS सतपुरा जो है वो एक फ्रिगेट है, कदमत जो है वो एक कॉर्वेट है, और INS शक्ति जो है वो एक टैंकर है। नेक्स्ट आपके पास है 91st, इंडियन एयरफोर्स ने मेड वॉच नाम की एक मोबाइल हेल्थ ऐप जो है वो लॉन्च की लास्ट ईयर। मेड वॉच जो है ये बेसिकली एक ऐप है जिससे आप क्या आप न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन या हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें देख सकते हो। इसमें मोरोवर एक हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड रहेगा, BMI कैलकुलेटर रहेगा। काफ़ी बेसिक सी ऐप है जो इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च की। अगर आप FCAT की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 92nd, इंडिया US की फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज 2019 में होगी। देखिए ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो है वो इंडिया सिर्फ रशिया के साथ कंडक्ट करता है इंद्र, लेकिन आफ्टर रशिया US जो है वो सेकंड कंट्री बनेगी जो इंडिया के साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट आपके पास है 93rd, आफ्टर मालाबार एक्सरसाइज। देखिए मालाबार जो एक्सरसाइज थी वो इंडिया जापान और US नेवीज के बीच में थी। अब इंडिया जापान और US जो है वो जॉइंटली एक ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा, जिसका नाम रहेगा कोप इंडिया एयर एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, ऐसी कुछ फर्स्ट टाइम 2004 में ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और ये कंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर में। इसकी कोऑप इंडिया की बात करें तो ये दिसंबर 2018 में कंडक्ट की, और इसमें जापान जो है वो एज एन ऑब्जर्वर स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट आपके पास है 94th, धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन जो है वो फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करेगी, ठीक है। कर चुकी है वैसे ये, और ये लास्ट ईयर 2018 नवंबर में ये कंडक्ट की गई थी,
और प्लेस की बात करें तो मिज़ोरम, मिज़ोरम में विरांगटे नाम की जगह है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इंडिया की तरफ से 6x1 गोरखा राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जापान की तरफ से जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, उनकी 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आपके पास है 95th द्रुज़बा 3। द्रुज़बा जो है वो रशिया और पाकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसकी थर्ड एडिशन जो है वो पाकिस्तान में कंडक्ट की गई। द्रुज़बा का मतलब होता है फ्रेंडशिप, और इसकी फर्स्ट एडिशन की बात करें तो 2016 में इसकी फर्स्ट एडिशन थी, जो आपकी नॉर्थ पाकिस्तान में कंडक्ट की गई थी, राटू में। और सेकंड एडिशन की बात करें, 2017 में इसकी सेकंड एडिशन थी, वो आपकी रही थी नॉर्थ कोकेसस में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 96th। देखिए, बांग्लादेश में फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को मेजर जनरल की प्रमोशन ग्रांट की गई है। 47 ईयर हिस्ट्री है बांग्लादेश की, 1972 से लेकर 2018 तक। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किसी फीमेल को मेजर जनरल तक की प्रमोशन जो है वो ग्रांट की गई। उनका नाम है डॉक्टर सुसेन गेती, ठीक है। ये जो हैं वो करंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की, और यही जो ये जो जिनका नाम है डॉक्टर सुसेन गेती, यही फर्स्ट वुमेन भी थी जिन्होंने FCPS डिग्री जो है हेमेटोलॉजी में 1996 में पास की थी बांग्लादेश में। नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 2018। नवंबर 2018 के कुछ वन लाइनर हैं। 97th है आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत। इसने हम अपनी फर्स्ट डेटरेंस पेट्रोल जो है वो कंप्लीट की। डेटरेंस का मतलब रहता है कि एक्शन ऑफ डिसकरेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट एंड फियर ऑफ कंसिक्वेंसेस। देखिए, इसका मतलब रहता है कि आप क्या करते हो, दूसरों के मन में एक डर पैदा करते हो कि अगर आप कोई एक्शन लोगे, हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन लोगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। इस पेट्रोल में क्या रहा, डेटरेंस पेट्रोल में क्या रहा, INS अरिहंत जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, और इसमें हमने जो पेट्रोल है इस ऑपरेशन में, इस एक्सरसाइज में क्या किया, न्यूक्लियर वेपन को उस सबमरीन में कैरी किया, और हमने एक प्रैक्टिकल वे में उसे चेक किया कि क्या हम न्यूक्लियर जो हमारे पास मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर आर्म है, उसको क्या हम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्यूज मी सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो है वो आपकी बेसिकली सिंगापुर और इंडिया के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और सिम्बेक्स की 2018 का एडिशन, जो आपका 25th एडिशन था, वो अंडेमान सी और बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया। जो इसका इनिशियल हार्बर फेज था वो आपका पोर्ट ब्लेयर में रहा, पोर्ट ब्लेयर, और जो इसका सी फेज था वो आपका पोर्ट ब्लेयर के बाद सी फेज रहा अंडेमान सी में। सेकंड हार्बर फेज की बात करें तो ये विशाखापट्टनम में, इसका सेकंड जो पोर्ट फेज था वो विशाखापट्टनम में रहा, और इसका लास्ट फेज रहा बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट आपके पास है 99th। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, लास्ट ईयर जो हमारे वाइस चीफ हैं तीनों सर्विसेज के, उनकी फाइनेंशियल पावर्स को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या होता था, जो आपके वाइस चीफ्स हैं वो 100 करोड़ तक प्रोक्योरमेंट या फिर रिपेयर, जो आपके आर्म्स हैं, जो भी आपके व्हीकल्स हैं, आर्म्ड व्हीकल्स हैं, उनकी रिपेयर या प्रोक्योरमेंट अप टू 100 करोड़ खुद कर सकते थे, लेकिन 2018 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पावर बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी है। नेक्स्ट है आपके पास 100th समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज है इंडोनेशिया के साथ, इंडियन नेवी की, और जो 2018 में कंडक्ट की गई थी समुद्र शक्ति, वो पोर्ट ऑफ सोराबाया इंडोनेशिया में कंडक्ट की गई, और इंडियन नेवी जो है वो रिप्रेजेंट की गई, उसमें रिप्रेजेंटेशन थी INS राणा की। INS राणा एक ईस्टर्न फ्लीट है, ईस्टर्न जो कमांड है उसकी फ्लीट है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आपके पास है, इंडियन आर्मी ने 3
आर्टिलरी गन सिस्टम जो है वो इंडक्ट किए लास्ट ईयर। अब ये कौन कौन से तीन आर्टिलरी गन सिस्टम थे वो थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट था M777A2 अल्ट्रा लाइट होविट्सर्स, ठीक है, ये आपके हमने प्रोक्योर किए यूएस से, और इसकी असेंबली जो ये देखिए यूएस से ये हम पार्ट्स इसके मंगाएंगे, और महिंद्रा डिफेंस के पास इसका टेंडर है उस उन पार्ट्स को असेंबल करने का। नेक्स्ट आपके पास है K9 वज्र गन्स, ये हमने सेमी नॉकडाउन कंडीशन में, जैसे हमने M777 जो लाइट होविट्सर हैं यूएस से पार्ट्स में इम्पोर्ट किए, वैसे ही सेम हमने साउथ कोरिया से K9 वज्र गन्स इम्पोर्ट की, और LNT जो है वो इंडिया में इसे असेंबल करेगा। और लास्ट हमारे पास है कॉमन गन टावर, ये हमारा इंडिया में ही बनाया गया है अशोक लेलैंड द्वारा। नेक्स्ट आपके पास है इंडियन आर्मी ने इग्ला-S मिसाइल सिस्टम जो है वो सिलेक्ट किया रशिया से, ठीक है। अब देखिए रशिया से इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोक्योर कर रहा है, और ये चीज़ यूएस के कात्सा जो उनका कात्सा है उसको वायलेट करता है, तो यूएस जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस जो है इस कारण लगा सकता है। इग्ला-S की बात करें तो ये बेसिकली मैन पैड्स हैं, मैन पैड्स का मतलब रहता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ बजूका की तरह ये एक आपके पास एक गन टाइप रहेगी जिससे आप लो फ्लाइंग जो ड्रोन्स होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं उन पे अटैक कर सकते हो, मैन पोर्टेबल रहेगा। और ऐसा नहीं है कि रशिया जो है हमारा बहुत फ्रेंडली कंट्री है और रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो इसलिए हमने रशिया को प्रेफर किया, ऐसा है कि लोएस्ट बिड जो थी वो 1.47 बिलियन डॉलर्स की थी, और वो रशिया की एक कंपनी है रोसो बोरोन, उन्होंने लोएस्ट बिड की, इसलिए ये टेंडर जो है वो रशिया को दिया गया। नेक्स्ट आपके पास है, अब देखिए कंसर्न मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया से जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं चीज़ें तो ये काट्सा को स्ट्रिक्टली वॉयलेट करता है, काट्सा का मतलब रहता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट्स, ठीक है। एडवर्सरीज होता है राइवल्स, तो जो अमेरिका के राइवल हैं, अगर कोई कंट्री अमेरिका के राइवल कंट्रीज़ के साथ कोई डिफेंस प्रोक्योर करती है तो यूएस क्या कर सकता है, वहाँ सैंक्शंस जो है वो लगा सकता है उन कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि ऑलरेडी चाइना के ऊपर ये ऑलरेडी सैंक्शंस जो है लगा चुका है, क्योंकि चाइना ने Sukhoi-35 और S-400 मिसाइल्स जो हैं वो रशिया से प्रोक्योर किए। इंडिया ने भी S-400 लास्ट ईयर प्रोक्योर किए थे, और मोर ओवर अक्टूबर में एक और डील की थी रशिया के साथ नेवल वॉरशिप की, तो ये जो है एक तरह से यूएस के काट्सा को वॉयलेट कर रहा है और यूएस को थोड़ा सा उकसा रहा है। अब इस काट्सा में बेसिकली तीन कंट्रीज रहती हैं, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, तो इनसे डिफेंस परचेजेस जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करता है ये काट्सा। नेक्स्ट आपके पास है इंद्र 2018, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये आपकी इंद्र जो है वो झांसी यूपी में कंडक्ट की गई इंडिया और रशिया के बीच में। नेक्स्ट आपके पास है डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर ने मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति ये लॉन्च की इन द मंथ ऑफ नवंबर, और ये न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई। अब मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति में क्या रहेगा, जो हमारे PSUs हैं या DRDO है, जो डिफेंस PSU हैं, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनमें अगर कोई हमारा पेटेंट जो है वो हमारे साइंटिस्ट ने पेटेंट किया है, मतलब कोई पेटेंट, पेटेंट का मतलब रहता है जो कॉपीराइट, कोई नई चीज़ इनोवेट की है, जो IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर अगर कुछ सक्सेसफुल फिलिंग की है, तो उनको शोकेस करेगा उन इन्वेंशंस को और इनोवेशन को। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट मंथ की न्यूज़ दिसंबर 2018, तो दिसंबर 2018 में पहली न्यूज़ है क्लीन सी 2018। क्लीन सी 2018 जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की पोर्ट ब्लेयर में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ICG जो है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो हमेशा तैयार रहे जो हमारे नेशनल ऑयल स्पिल डिज़ास्टर रहते हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल डिज़ास्टर क्या रहते हैं कि अगर कोई ऑयल टैंकर, जो आपके ऑयल वेसल रहते हैं, ऑयल कैरियर वेसल रहते हैं,
शिप्स रहती हैं। अगर कोई कोई शिप मतलब उसका कोई एक्सीडेंट रहता है और ऑयल स्पिल का ख़तरा जो हमारे सी में रहेगा उसको कैसे टैकल करना है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये एक्सरसाइज में सीखा। नेक्स्ट है आपके पास हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड इज़ बेसिकली एन एक्सरसाइज इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी मिलकर हैंड इन हैंड नाम की जॉइंटली एक्सरसाइज करते हैं और ये 2018 में हमने चेंगडू चाइना में ये एक्सरसाइज जो है चाइना के साथ कंडक्ट की। ये 7th एडिशन था और इंडिया की तरफ से 100 ट्रूप्स जो हैं वो भेजे गए थे। नेक्स्ट आपके पास है एवियंदर, एक्सरसाइज एवियंदर। मैं आपको बता चुका हूँ कि एवियंदर जो है वो बेसिकली इंद्र एक्सरसाइज की एक वर्जन है और ये इंडियन एयरफोर्स और रशियन फेडरेशन एयरोस्पेस फोर्स जो रशिया की एयरफोर्स है उन दोनों के बीच में कंडक्ट की जाती है और इसका ये 2nd एडिशन था 2018 में और ये कंडक्ट किया गया इंडिया जोधपुर में। नेक्स्ट आपके पास है जो आपके ये 4 PSUs हैं, इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स। ये टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के और ये रिपोर्ट है आपकी सिपरी की। देखिए यहाँ पे रैंक्स अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से स्लाइड में देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका रफ़ेल डील कंट्रोवर्सी थी, रफ़ेल डील की कंट्रोवर्सी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है एनडीए गवर्नमेंट को, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको क्लीन चिट दे दी है कि रफ़ेल जो स्कैम है वो कोई स्कैम नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर डील है, ट्रांसपेरेंट डील है। और ये आपकी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है वो बेसिकली एक 3 जज बेंच ने दी है जिसका हेड थे राजन गगोई। नेक्स्ट आपके पास है एक फैक्ट शीट, इंडियन नेवी की IFC IOR। IFC इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है ये इंडियन नेवी ने अभी अभी लॉन्च किया। अब इसका मेन मोटिव क्या रहेगा, ताकि हम बूस्ट कर सकें जो हमारा नेवल इन्फॉर्मेशन है, मैरिटाइम इन्फॉर्मेशन है और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज रहेगा इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सेंटर है वो सेटअप करना है इसके अंडर, IFC के अंडर, और ये सेटअप होगा गुरुग्राम हरियाणा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सेंटर जो इंडियन नेवी डेवलप करेगी वो कहाँ करेगी, तो उसका आंसर रहेगा गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट आपके पास है 47th एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस। देखिए आपको पता होना चाहिए विजय दिवस जो है वो हमारी 1971 यानी 1971 की जो हमने वॉर लड़ी थी पाकिस्तान के साथ, जो हमारी एक रिमार्केबल वॉर विक्ट्री है, उसकी 47th एनिवर्सरी थी लास्ट ईयर, वो सेलिब्रेट की। नेक्स्ट आपके पास है इंद्र नेवी 18, जो हमारी 2018 में इंद्र एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में, वो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट आपके पास है 113th 55th एनिवर्सरी ऑफ SSB, जो आपका सशस्त्र सीमा बल है, उसकी 55वीं सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट की गई लास्ट ईयर, और ये जो एनिवर्सरी है वो आपकी सेलिब्रेट की गई न्यू दिल्ली में। और आपको पता होना चाहिए SSB का मोटो जो है वो रहता है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है। नेक्स्ट आपके पास है 114th, इंडियन नेवी ने लास्ट ईयर INHS संधानी नाम का नेवल हॉस्पिटल जो है वो कमीशन किया और ये आपका कमीशन किया गया महाराष्ट्र के कारंज नेवल स्टेशन में। लास्ट आपके पास रहती है 115th, सॉरी मैं आपको गलत बता चुका हूँ, 120 नहीं, टोटल जो इसमें एक्स्ट्रा न्यूज़ हैं वो 15 है, 115 ये लास्ट न्यूज़ है। इसमें रहता है कि जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने होवरक्राफ्ट जो हैं वो डिप्लॉय किए सर क्रीक में। सर क्रीक इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट
पार्टीशन इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका गुजरात की एक छोटी सी एरिया रहता है गुजरात का, जो पाकिस्तान के साथ लगता है, और ये रन ऑफ कच्छ के अराउंड रहता है, एक मार्शी एरिया है जो डिवाइड करता है इंडिया और पाकिस्तान को, और ये डिवीज़न जो मार्क की गई है वो सर क्रीक द्वारा की गई है। अब यहाँ पे होवरक्राफ्ट जो हैं, होवरक्राफ्ट बेसिकली इनका मेन जो यूज़ है वो ये है कि ये पानी और इस मार्शी एरिया दोनों में ट्रैवल कर सकता है। तो इसका मेन मकसद जो था वो है एनहांस करना सिक्योरिटी को। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।